इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी वॉइस क्वालिटी को या फिर रिकॉर्डिंग क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। कमिंग अप। हाई एवरी वन, आई एम हर्षवर्धन। वेलकम टू harshvardhanart.com। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी जो वॉइस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको प्रोफेशनली इन्हेंस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ मैंने आपको टिप्स दी थी जिससे कि आप रिकॉर्डिंग करते वक्त अपनी साउंड को बेस्ट बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब रिकॉर्डिंग करें उस टाइम आपकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन अगर आपके रिकॉर्डिंग के टाइम ही क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी पोस्ट प्रोसेसिंग कर लो वो अच्छी साउंड नहीं करेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है। वो जो 4 टिप्स मैंने बताई हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद फिर हम इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में किस तरह से हम इस जो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं प्रीमियर प्रो में। प्रीमियर प्रो मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे कि आप ये बहुत ही इजीली आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 2019 और 2020 वर्जन, इन सभी वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और आई थिंक 2018 में आई एम नॉट श्योर कि ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है एसेंशियल साउंड का। तो एसेंशियल साउंड वाला पैनल जो है हम उसको यूज़ करेंगे और फिर अपनी साउंड को बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड कराएंगे। तो उसके लिए आप हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए लेट्स डाइव इन दी कंप्यूटर स्क्रीन एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस क्वालिटी इन प्रीमियर प्रो और अपनी साउंड क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिकॉर्ड सम वॉइस ओवर। पहले मैं कुछ वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। इससे पहले आपको अपने स्पीकर की साउंड को म्यूट कर लेना है, अदरवाइज एको आएगी। तो ये जो एको है वो इस तरह की सुनाई देगी जैसे कि आपने अभी सुना, ठीक है। तो उसके बाद आपको म्यूट कर लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रीमियर प्रो में वॉइस ओवर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली, उसका एक सही तरीका है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और इस आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं वॉइस ओवर और उसके बाद मैं वापस आता हूँ। तो देखिए ये हमारा वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको क्लीन अप करने के लिए सबसे पहले मैं जो आफ्टर वाला है, बिफोर वाला यानी कि जो बगैर उसके है, वो मैं कट कर लेता हूँ। इस पे हम पोस्ट प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये वाली हमारी साइड में हो गई बिफोर वाली। और इसका लेबल मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसको लेबल चेंज करने के लिए इसको कर देते हैं लेट्स से रेड। ओके, ये हमारा ग्रीन हो गया। तो ग्रीन वाले को हमें क्लीन अप करना है। तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये साउंड आपको किस तरह की देगी। तो ये जो एको है वो इस तरह की सुनाई देगी जैसे कि आपने अभी सुना, ठीक है। तो उसके बाद आपको म्यूट कर लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रीमियर प्रो में वॉइस ओवर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली, उसका एक सही तरीका है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो ग्रीन में जब ये होती है साउंड तो वो सही होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको पोस्ट प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे विंडोज़ में और फिर यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा एसेंशियल साउंड्स का। तो एसेंशियल साउंड्स में आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये साइड में इस तरह का ये एक पैनल, ये देखिए ये वाला एसेंशियल साउंड का पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ड्रैग करके एक्सपैंड भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। देखिए डायलॉग के लिए अलग है, यानी कि डायलॉग ये होती है जो वॉइस ओवर हमने की है। म्यूजिक के लिए अलग है, SFX के लिए अलग है जिस तरह FX साउंड होती है, और एम्बियंस साउंड के लिए अलग होती है। अगर आपने एम्बियंस साउंड पे अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करें। FX के लिए ये वाली है और म्यूजिक के लिए और डायलॉग के लिए ये, तो हम डायलॉग के लिए ये वाली यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, हम उन्हीं में से एक प्रीसेट को लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रीसेट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो ये भी डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो जैसे डायलॉग है, डायलॉग में ये सारे हमारे ऑप्शन हैं, म्यूजिक में ये वाले हैं,
और FX में ये वाले हैं, एम्बियंस में ये वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायलॉग है क्योंकि हमारा, तो हम डायलॉग में जाएंगे और यहाँ पर देखिए कुछ है इसमें वॉइस ओवर, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम में आना है जो है पॉडकास्ट वॉइस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी कुछ सेटिंग्स हैं जो लोड हो गई हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमारी सेटिंग्स लोड हो गई हैं। तो अब अगर हम अपनी साउंड को जैसे हम चेक करेंगे, तो इसके अप्लाई करने से पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने ये वाली क्लिप सेलेक्ट की है, और ये क्लिप सेलेक्ट की है तो आपको ये इस तरह का वाइट आपको दिख जाएगा, यानी कि वाइट बॉर्डर और यानी कि कुछ वाइट कलर की आपको दिख जाएगी। और जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। तो मेक श्योर ये सिलेक्ट हो तभी आप ये अप्लाई करेंगे तो ये इस पर अप्लाई होगी। अगर आपने किसी और क्लिप पे कर दिया तो वो ये जो इफेक्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग की हो गई है, और उसके बाद ये देखिए आपने इसमें ये जो लेवल्स है वो भी कुछ कम हो गया है। ये देखिए ये ऑडियो वेव्स का ये लेवल यहाँ पर कम हो गया है। और इसको अगर मैं वैसे दिखाऊँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो डिसेबल करने के लिए ये जो ऑप्शन है हमारे पास क्लियर ऑडियो टाइप, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं तो और वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो साउंड का लेवल है ये थोड़ा सा अप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस मैं जाता हूँ दोबारा डायलॉग में जाएंगे और फिर यहाँ से जो प्रीसेट है वो पॉडकास्ट वॉइस का वो वाला हम क्लिक कर लेंगे, तो हमारी बेसिक सेटिंग्स इसमें अप्लाई हो गई। अब हम इसको सुन के देखते हैं कि ये किस तरह साउंड कर रहा है, तो उसके लिए मैं प्ले करता हूँ इसको। अगर आप नहीं जानते हैं कि वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करते हैं प्रीमियर प्रो में, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उसका लिंक आप आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको ऑलरेडी साउंड इतनी बेटर आपको मिल गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ और काम है, हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग के लिए, ताकि ये हमारी जो साउंड है वो और भी ज़्यादा अच्छी साउंड करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पॉडकास्ट वॉइस में, तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है लाउडनेस, तो लाउडनेस क्या है, ये ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे ऑडियो क्लिप के या फिर जो डिफरेंट डायलॉग्स हमने बोले हैं तो उनको ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है सबको एक लेवल में, तो ये ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैच रहने दे, इसको टच ना करें आप, इसको ये एज इट इज़ रहने दे। उसके बाद आता है हमारा रिपेयर का ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएगा। तो जो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है रिड्यूस नॉइज़ का, तो ये जो रिड्यूस नॉइज़ वाला है इस पे आपको चेक करना है, तो ये बेसिकली नॉइज को रिड्यूस करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये 3 पे है, 3 डेसिबल पर है। तो अब हम सुन के देखते हैं, जैसे हमारी क्लिप में कहीं पे जो नॉइज आ रहा है, तो ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, ये वाला ये ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमें सुनाई देगा वो नॉइज है हमारा, ठीक है। तो पहले मैं एक बार उसको डिसेबल कर देता हूँ रिड्यूस नॉइज को, और अब हम सुनते हैं इसको। तो हम जैसे प्ले करते हैं तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर, तो इतना अगर हम सुनते हैं सिर्फ यहाँ पर, मैं इसको आउट पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पर इन पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर वेव पॉइंट से आपको दिख जाएगा कि इसमें नॉइज है या नहीं। तो देखिए इसके अंदर नॉइज है, ठीक है। तो ये जो नॉइज है इसको रिमूव करने के लिए अब हम जैसे रिड्यूस नॉइज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर हम प्ले करते हैं तो देखिए अब ये कम हो गया है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, इसमें आपको साउंड बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है। और इस जो स्लाइडर को आप इम्प्रूव इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत कम ही रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें इतना नॉइज नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इससे और आपकी साउंड दब जाएगी, ठीक है, आपको वो नहीं करना है। तो इसको बेटर है कि कम से कम में रखें, 3 से ज़्यादा ऊपर कोशिश ना करें। अगर आप में बहुत ज़्यादा वॉइस में नॉइज़ है, जैसे आपने कोई बाहर से रिकॉर्डिंग की या फ़ोन से की, मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो वो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जितना ये ध्यान रखिए, जितना नॉइज आप रिड्यूस करेंगे उतनी ही आपकी वॉइस क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद है साउंड रंबल। तो रंबल क्या होता है, रंबल जो हमारी जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती हैं, जो जिस तरह की हम और कुछ इस तरह की जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चल रही है वगैरह, तो उसको ये रिड्यूस करता है। थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो रिड्यूस रंबल को 3 पे रहने दें, या आप चाहें तो और इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के लिए काम आता है। फिर उसके बाद है डी हम, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स वगैरह होती हैं उसको कम करता है, लेकिन जैसे हम इसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अनचेक ही रखता हूँ, मैं इसको नहीं
ऑन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है आपका डीएस। डीएस में क्या होती है, जो एस एस की साउंड आती है जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये उसको थोड़ा सा कम करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको इतने पे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूस रिवर्ब। तो जैसे एको आती है आपके ऑडियो में, तो मान लो आपने जैसे एम्प्टी रूम में रिकॉर्डिंग की है तो एको है, तो इसको हम चेक करते हैं तो वो एको कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये एको ख़त्म कर देता है और इसमें जो हमारी वॉइस क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो जब तक आपकी वॉइस में एको ना हो जब तक इसको यूज़ ना करें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको क्लिक करके बहुत ही कम पे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत एको होगी तो वो माइनस हो जाएगी, इसमें से एको आएगी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत अच्छा है, यानी कि डायनेमिक्स है। तो इसको जितना ही आप इंक्रीज करेंगे इस स्लाइडर को, तो उतनी ही ज़्यादा आपको बेटर क्रिस्प साउंड सुनाई देगी। तो मैं इसको इंक्रीज करके यहाँ पर रखता हूँ 7.5 या 8 के आसपास। तो अगर अब आप सुनते हैं इसको, अदरवाइज आपको जो है एको आएगी रिकॉर्डिंग में, ठीक। और अब मैं इसको जैसे बाय डिफॉल्ट जो था इस पे 5 पे लेके जाते हैं, अब सुनते हैं, अदरवाइज आपको जो है एको आएगी रिकॉर्डिंग है। और जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो इसमें क्रिस्पीनेस इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, सुनिए, उनको म्यूट कर लेना है, अदरवाइज आपको जो है एको आएगी रिकॉर्ड। तो मुझे ये अच्छी लगती है क्लैरिटी 7.6 तक, तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है रीएनालाइज का, इसको आपको टच नहीं करना है। फिर है इक्वलाइजर। इक्वलाइजर ऑटोमेटिकली ये पॉडकास्ट वॉइस को सिलेक्ट करता है, और इसके अंदर और डिफरेंट ऑप्शन भी हैं अगर आपको ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है नीचे क्लिप वॉल्यूम।